अन अकेडमी। आप माधुरी प्रसाद हुई? माधुरी प्रसाद, वेरी गुड। आप कहाँ से हैं, किस जिले से हैं? डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। ठीक है, और किस साल ग्रेजुएशन की है? 2020। क्या सब्जेक्ट था? फिजिक्स। और इसमें ऑप्शनल क्या था आपका? सोशियोलॉजी। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सेकंड ऑफ हो जाता है, बिहार पुलिस सर्विस। जी सर। आप बताइए बिहार के बारे में। कट गया यहाँ तो है। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी महिलाओं के उत्थान के लिए, सुधार के लिए उनकी स्थिति में कौन कौन सा स्कीम चला रही है? सर, महिलाओं के लिए सबसे पहले तो महिला उत्थान योजना चलाई जा रही है हमारे बिहार में, जिसमें महिलाओं के जन्म से लेकर के उनके ग्रेजुएशन तक के उनके लिए मॉनेटरी स्कीम्स की प्रावधान है, जहाँ पे उनको पैसों से मदद की जाएगी ताकि उनका शुरू से लेकर ग्रेजुएशन तक अच्छे से लाइफ में चल सके। उसके अलावा सर, महिला उद्यमी योजना भी चलाई जा रही है, जहाँ पे व्यवसाय को प्रोत्साहित की जाती है। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में महिला पोशाक योजना, महिला छोड़ देता है। ठीक है, आप बोध गया काफी प्रसिद्ध है टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, इसके बारे में क्या जानती हैं? जी सर, बोध गया महात्मा बुद्ध का एनलाइटमेंट प्लेस था, जहाँ पे उन्होंने अपनी एनलाइटमेंट ग्रहण की थी एक पीपल के पेड़ के नीचे, तो इसलिए बुद्ध गया बुद्धिज्म के तौर पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और वहाँ पर हिंदू दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ पर पिंडदान भी होता है जो हिंदू करते हैं हर वर्ष, तो इसलिए भी वो हिंदुइज्म के दृष्टिकोण से भी प्रसिद्ध है। ठीक, बिहार वीमेन कमीशन है, स्टेट वीमेन कमीशन, उसके हेड कौन है? बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेड कौन है? हाई कोर्ट में सरकार के मामलों को एक एडवोकेट रिप्रेजेंट करते हैं, सरकारी एडवोकेट, उनका क्या नाम है? नामकरण डिजिग्नेशन उनका क्या? डिजिग्नेशन हाँ, किस नाम से जाना जाता है? वो एडवोकेट जनरल है। एडवोकेट जनरल अभी कौन है? याद नहीं है, याद करना होगा। और बिहार के गवर्नर का क्या नाम? अभी वो पूरा बोलना होगा ना, और उसको कायदे से बोलना होगा, महामहिम लगा के आदर के साथ बोलना होगा ना, ऐसे बोलने से नहीं होगा। बिहार स्टेट असेंबली के हेड कौन है? स्टेट असेंबली के स्पीकर की बात, स्पीकर की बात, अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी, क्या स्ट्रेंथ है, कितने एमएलए हैं बिहार असेंबली में? बिहार असेंबली में सर 243 एमएलए हैं। और दूसरा सदन है यहाँ बिहार स्टेट काउंसिल, उसमें कितना है? सर उसमें 75 सीट्स हैं। बिहार स्टेट में एमपी का स्ट्रेंथ क्या है? सर 44 लोकसभा की सीट है और 16 राज्यसभा की सीट है बिहार। अच्छा, वीमेन एमपी कितने हैं, कौन कौन है? नहीं याद है। ठीक, माधुरी न्यूज़पेपर पढ़ती हैं क्या?
सर। कौन सा पढ़ती हैं न्यूज़पेपर? सर मैं अभी पटना जागरण पढ़ती हूँ और इसके अलावा कौन सा जागरण? कौन सा जागरण? पटना जागरण, दैनिक जागरण में पटना का। अच्छा, आज का पढ़ी है पेपर, टुडेज न्यूज़पेपर दैनिक जागरण? हाँ, उसमें फर्स्ट न्यूज क्या है? फर्स्ट पेज का सबसे मेन न्यूज आज के दैनिक जागरण में? कोई बात नहीं, नहीं ठीक है। उसका एडिटोरियल में कुछ याद है आज के दैनिक जागरण में क्या है? नहीं याद है। उसमें एक एडिटोरियल उसमें था जहाँ पर उसमें हमारे देश की डाइवर्सिटी के साथ यूनिफिकेशन की भी बात की गई। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है माधुरी? इंटरेस्ट मेरी हॉबी है गाने सुनना। गाने सुनना, अच्छा अच्छा। अभी दादा साहेब फाल्के अवार्ड किनको मिला है, कुछ है आइडिया? किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में, दादा फिल्म के क्षेत्र में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म अवार्ड अचीवमेंट फिल्म के क्षेत्र में, अच्छे काम के लिए। यू डोंट रिमेम्बर, ठीक है कोई बात नहीं है। ये बताइए कि अभी 5-6 जिले राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं भारत के? जी सर वो है सर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और गुजरात। अच्छा, आपके अनुसार उन राज्यों का जिनका आपने नाम लिया, वहाँ के चुनाव को कौन कौन सा मुद्दा भारत का प्रभावित कर सकता है जिससे वहाँ का चुनाव अफेक्टेड होगा? जी सर, अभी हाल ही में जो बिहार द्वारा जाति जनगणना कराई गई है, वो मुद्दा सबसे पहले लोगों के द्वारा देखा जाएगा और लोग भी चाहेंगे कि उनकी जाति को ज्यादा बेनिफिट्स दी जाए। इसके अलावा सर हमारे देश में जो इन्फ्लेशन की रेट है वो बढ़ती जा रही है, तो इससे भी लोगों का सरकार के प्रति जो उनका विश्वास है वो ऊपर नीचे हो सकता है। सर इसके अलावा मैं देखूँ तो हमारे देश में बेरोजगारी दर भी पिछले साल की तुलना में थोड़ी बढ़ गई है, तो ये भी एक जी, ये सब मुद्दा है। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट अभी कितना है भारत का, अभी लेटेस्ट 2-3 दिन में जो आया है फिगर? अभी लेटेस्ट इन्फ्लेशन रेट की जानकारी, ठीक है। भारत के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी। उनसे रिलेटेड कोई खबर इधर 2-3 महीने में जो आप पढ़ी हो, एक कोई बताइए। ठीक है, ओके, धन्यवाद माधुरी। अभी ये कुछ है, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था महिला भ्रूण के बारे, वो भ्रूण के बारे में कि कितने समय तक के भ्रूण का एबॉर्शन कराया जा सकता है, आया है कोई मामला ऐसा? जी सर, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया। भारत में कितने सप्ताह तक के भ्रूण के एबॉर्शन को अलाउ किया गया है? सर भारत में 20 हफ्ते तक के भ्रूण में सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस से आप भ्रूण हत्या करवा सकते हैं। इसके अलावा 24 हफ्तों तक आप 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस से आप भ्रूण हत्या करवा सकते हैं। इसके अलावा इससे आगे के लिए सर एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर्ड मेडिकल बोर्ड की एडवाइस आपको चाहिए होगी, और ये तभी संभव है जब फीटल में कोई अबनॉर्मलिटी हो। आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है ना? जी सर। विवाह के प्रकार कितने होते हैं? सर विवाह के कई प्रकार हैं, इसमें एक कितने हैं अनुगमन, कितने प्रकार के विवाह होते हैं? अच्छा नहीं, रूम काउंट कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संस्कार कितने हैं हमारे देश में? संस्कार सुनी है ना? पुरुषार्थ कितने हैं?
पुरुषार्थ अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा बताइएगा कि महिलाओं के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संस्था है यूनाइटेड नेशन वीमेन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 हाँ कोई बात ठीक ठीक कब है इंटरव्यू आपका?